हाँ जी नमस्कार, मैं इमामुद्दीन मालिया इमामुद्दीन ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और मैं आपको रोज मिलवाता हूँ, मैं स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। और ये आज 2 तारीख से मेरे पास में आए, 2 तारीख को एडमिशन करवाया था ये मेरे स्टूडेंट। इनको पूछता हूँ मैं, ये कहाँ से आए, इनके पापा जी का क्या नाम है, इनका क्या नाम है। तो फिर देखो, ये जैसे 2 तारीख से इनका मैंने एडमिशन किया था, 2 तारीख से आज हुई है 6 तारीख। तो देखो ये 3-4 दिन में कितना लेसन तैयार कर लिया। तो ये अब इनको पूछते हैं और फिर कैसे सिखाता हूँ मैं ढोलक और कैसे ये ढोलक सीखते हैं वो देखिए। और आपको भी ढोलक तबला हारमोनियम कुछ सीखना है और आप इच्छा रखते हैं ढोलक सीखने की, तो आप मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप कहीं नहीं जाए, मेरे पास में जरूर आए और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आपको अच्छा सिखाएंगे। और ऑनलाइन भी सिखाते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग सीखते हैं। और ये गोपी भाई है, ये भी ढोलक सीख रहे थे। और ये भी सवाई भाई, ये भी ढोलक सीख रहे थे। तो ये सब यहाँ क्लास ले रहे हैं। और अब मैं पूछता हूँ, हाँ जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम असुराम मेघवंशी है। असुराम जी मेघवंशी, अच्छा आपका गांव कौन सा है? विष्णु नगर लोहावट। लोहावट राजस्थान में जोधपुर जिले में ना? जी जी, इनका गांव लोहावट है, ये जोधपुर जिले से है। और देखो ये 2 तारीख से वैसे एडमिशन करवाया था, अब 4 दिन में वो कितना मतलब मेहनत करते हैं और कितना कोशिश करते हैं। देखो कोई पूछता है कि जैसे हम कितने दिन में सीख जाएंगे, वो हम ऐसे बता नहीं सकते। बाकी जो मेहनत करने वाला, जो रियाज करने वाला है, रियाज करता है वो बंदा राज करता है। तो देखिए अब मैं मिलवाता हूँ आसुराम जी है। और 2 तारीख एडमिशन है, 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आपने ये लेसन तैयार किया वो धार नती नाम वाला, थोड़ा सुनाएंगे। जीरो लेसन से, यानी कि आपको पहले कुछ बजाना आता था क्या? बिल्कुल नहीं आता था। जोर से बोलिए, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल इनको कोई ऐसे बजाना भी नहीं आता था। बल्कि 4 दिन में इनको जो ये लेसन दिया तो कुछ ये बजाने लग गए, इनका हाथ भी सेट करवाया। पहले ये थोड़ा उल्टा करके ढोलक से बजाते थे, इधर बजाते थे। तो इनको बोला कि नहीं ये एक बार देखिए कैसे सेट होता है। तो आज मैं इनको ढोलक अब कैसे सिखाऊंगा वो देखिए आप, सिखाते कैसे ढोलक। हाँ जी, अब ये ढीक नाना वाला आप लेसन बजाइए। जैसे देखो डी लगाइए, फिर ना ना, फिर यहां ऐसे इस तरह से आपको पे लगाना है, के ना फिर ना, इस उंगली से आपको 4-3 उंगली से लगाना, ठीक है। फिर से लगाइए ना ना, ये है के ना ना, बहुत बढ़िया। तो ऐसे हम सिखाते हैं इनको, कोई भी लेसन ऐसे हम पकड़ाते हैं कि भाई आप लेसन को याद कीजिए, फिर हम लिख के देते हैं इनको और फिर इनको ये बजाने का तरीका बताते हैं। तो देखिए पहले कैसे आपको बजाना है, धी, ये धी वाला है, ठीक है। इससे आपको धी लगाना है, धी फिर ना ना, फिर यहां से के, फिर दा, दा। समझ में आया ना? तो ऐसे समझाते हैं हम लोग। और ढोलक तबला हारमोनियम और किसी को सीखना है तो वो संपर्क कर सकते हैं। ऐसे हम इनको धा नतीना वाला वो जो लेसन है वो पकड़ाया था, कैसे बताना सीखे आपको। तैयारी कर रही है इतनी कम से कम, तो देखो वो कोई कहता है कि हम कितने दिन में सीख जाएंगे, बोलो 3 महीने का कोई कोर्स लेता है, कोई 6 महीने का लेता है, कोई 12 महीने का लेता है, तो वो बंदा क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? तो बढ़ सकता है, वो कोशिश खुद की चाहिए, मेहनत खुद की चाहिए। देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं जैसे आसुराम जी के हर वक्त तो साथ रहता नहीं हूँ, लेकिन इनको जो लेसन मैंने लिख के दिया और इनको बताया कि आपको ये ऐसे बजाना है,
तो फिर बिल्कुल इन्होंने माइंड में रख लिया कि मैं बजाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल चार दिन में कितने ढोलक बजा के दिए आपको, ये आपके सामने प्रत्येक प्रमाण है, इसका झूठ नहीं बोल रहे, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। 2 तारीख से इनका मैंने एडमिशन किया था, सही गोपी भाई? सही। तो ये मेरे गोपी भाई, ये देखिए गोपी भाई भी कितने ढोलक बजाने लगे। हाँ गोपी भाई बजाए एक बार, ताकि चिंता की चिंता नित्य नाना किधाना। चाचा भतीजा आपको मैंने पहले मिलवाया था, और आपको भी ढोलक सीखना है तो आइए। थैंक यू सो मच।